ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया है। नए वैली के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व फंड से स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट से 50 बेड के कोविड अस्पताल को ऑक्सीजन मिल सकेगी। 1,07,00,000 की लागत से तैयार हुआ ऑक्सीजन प्लांट प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में नए वैली अधिकारियों के साथ ही इलाकाई विधायक उपेंद्रनाथ पासवान ने फीता काटकर पीएसए आधारित ऑक्सीजन प्लांट को जनता को समर्पित किया। कोविड की आगामी तीसरी लहर को देखते हुए समाज को कोविड महामारी से बचाने के क्रम में घाटमपुर में नेवेली पावर प्लांट के सीएसआर फंड से 1,07,00,000 की लागत से बने हुए ऑक्सीजन प्लांट को आज लोकार्पित किया गया। आपको बता दें कि संपूर्ण देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कुल 35 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण जनता को किया गया है, जिसमें से घाटमपुर भी शामिल है। घाटमपुर में सरकारी अस्पताल में बने हुए 1,07,00,000 की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा 50 बेड के कोविड अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट की बताई जा रही है। वहीं 50 बेड के घाटमपुर के कोविड अस्पताल में 2 बेड पीकू वार्ड के भी बनाए गए हैं, जहां पर बच्चों का इलाज भी किया जाएगा। सब गौर करने वाली बात यह है कि कोविड अस्पतालों के दौरान संसाधनों की बढ़ोतरी के दौरान भी डॉक्टरों और टेक्नीशियंस की खासी कमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 50 बेड के कोविड अस्पताल में पल्मोनरोलॉजिस्ट और NICU चलाने वाले की खासी कमी है, जिस पर सरकार को खासा गौर करना होगा। इसके साथ ही साथ क्षेत्र के अन्य सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने की जो जिम्मेदारियां थी और जो दावे किए गए थे, उन दावों को पूरा करने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है। कार्यक्रम में घाटमपुर विधायक उपेंद्र पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, क्षेत्र के CMO समेत करीब 1 दर्जन जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में करीब 1,50,000 नागरिकों की उपस्थिति भी बनी रही। देखने वाली बात यह है कि करोड़ों की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट के जरिए लोगों की क्या सेवा हो पाती है, यह तो भविष्य ही बताएगा। के न्यूज़ के लिए ए सूफियान की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां केंद्रीय